नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात के अंदर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके ट्रैक्टर के लिए कौन सा प्लाउ सही है इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे और इसके अंदर बताएंगे दोस्तों कि आपका कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है और कितने हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए कौन सा प्लाउ बेटर रहता है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी जो है हमारी कंपनी के टेक्नीशियन भाई मनोज भाई द्वारा हम आपको ये बताएंगे इसके अंदर कि कौन से ट्रैक्टर के ऊपर कितने HP का प्लाउ इसमें चल जाएगा। तो मनोज भाई, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं आप कि इसके अंदर हमारे कितने मॉडल हैं और इसमें छोटे से लेके तो जो बड़े ट्रैक्टर आते हैं जो 16, 17, 18 टायर के, उनमें कौन कौन से कितने कितने HP के ट्रैक्टर हैं, वो उनके हिसाब से आप प्लाउ बनाते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें। नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रभात किसान के ऊपर। मैं आज आपको 2-3 प्लाउ के मॉडलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर ट्रैक्टर के साथ साथ टायर साइज, हॉर्स पावर साइज और इनकी ट्रैक्टर कैपेसिटी साइज, हम अलग अलग इम्प्लीमेंट, अलग अलग प्लाउ हम असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो आप उपयुक्त चलाते हैं 13 के टायर कम्बाइंड 12 के टायर, इसके लिए हमारे 45 हॉर्स पावर का प्लाउ है जो 42 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लेके 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए उपयुक्त है, जिसमें आपको 12 के टायर और 13 के टायर के लिए चला सकते हैं, उपयुक्त है। 12 टायर किसी किसान के पास, अधिकतर के पास छोटा ट्रैक्टर होता है, वो अपने 12-13 के ऊपर इस प्लाउ को 45 वाले को चला सकता है। इसका टायर साइज, कटिंग साइज, ब्लेड 16 का होती है हमारी, जो क्या है कि टायरों को बिल्कुल एकदम फ्री चलती है, ना तो उसे टायर घिसते हैं, ना खिसारी होती है, ना स्लिपिंग खाता है। इस चक्कर से हमारा ट्रैक्टर, हमारा इम्प्लीमेंट, आप इसको 13 और 12 के टायरों पर चला सकते हो। उसके आगे चलते हैं हम, ये हमारा 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 45 हॉर्स पावर से लेके इसको 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पे इसको चलाना उपयोगी है। वही कंडीशन इसके साथ होती है, डीजल खपत भी कम लगती है, आपको रनिंग अच्छी मिलती है, लोड कम मिलता है। ट्रैक्टर हमारा हॉर्स पावर 50 ट्रैक्टर है, 50 से भी चलेगा, 51 का भी, 51 पर इसको आपको 13 के टायर और 14 के टायर के ऊपर चलाना उपयुक्त रहेगा, क्योंकि 12 के टायर के लिए थोड़ा सा हैवी पड़ेगा और 16 के टायर के लिए छोटा पड़ेगा, इसलिए आप 13 और 14 ये दो टायर साइज ऐसे हैं कि हमारे 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के बिल्कुल उपयुक्त रहते हैं। और यहाँ तक भी इसका खिंचाव, इसकी रनिंग टाइम, इसका जब एरिया आपको अदर्स कंपनी के टैप प्लाउ के अपेक्षा प्रभात के प्लाउ में आपको एरिया वाइज भी ज़्यादा आपको इस पर कम्फर्टेबल चीज़ मिलेगी। अभी आपने हमने 13 और 14 के टायर के लिए देखा, अब हम आपको बता रहे हैं हमारे ये 16 के टायर के लिए प्लाउ है, 55 HP का प्लाउ है। इसको आप ट्रैक्टर 53 HP से लेके 55 से 60 HP तक को इसको चलाने के लिए उपयुक्त ट्रैक्टर है। जिस किसानों के पास कमर्शियल ट्रैक्टर हैं, बड़े ट्रैक्टर हैं, आप उस पर आप अपना किराया भाड़ा भी चला सकते हैं, आप इसे सीजन भी कर सकते हैं और ज़्यादा उपयोग है, क्योंकि ब्लेड के लिए जिसके ट्रैक्टर में डोजर लगा हुआ है उसमें आपको हमारे 55 का ही प्लाउ देना पड़ेगा। इसकी क्या कैपेसिटी, इसके वजन 5 क्विंटल 30 के ऊपर है यहाँ तक, और जितना वेट का होता है 2.5 क्विंटल वजन, उसी हिसाब से वजन के हिसाब से हमारा 16 के टायर के लिए उपयुक्त है। और इसका खिंचाव भी अच्छा है, इसकी कटिंग साइज है, आप अदर 16 से लेकर आप 18 के टायर में चलाओगे तो ये चलेगा, इसकी कटिंग आपको 18 और 16 की पर्याप्त इसी पे टायर पे मिलेगी, जिसका आपका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत तेज रहेगा। ग्राउंड क्लियर के साथ आप एरिया भी निकालेंगे तो एरिया वाइज अदर ट्रैक्टर के हमारे हर 4 इंची एक राउंड में जाता जाता है, इसलिए 16 के टायरों के लिए हमारा 55 प्लाउ। अभी मैंने आपको सारे प्लाउओं की जानकारी दी है प्रॉपर करके, अभी हमारा एक भी और हम एक मॉडल बना रहे हैं, नया मॉडल है, गुजरात मॉडल है, मैं उसके भी आपको जानकारी दूंगा आने वाले टाइम पे, और भी आपको मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले आपने सब कुछ देख लिया, अगर आपको अधिक से अधिक जानकारी चाहिए तो आपको हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे होंगे, चल रहे होंगे, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें, हम टेलीफोन पे आपको ऑब्जर्व करेंगे। और रही बात, हमारे बहुत से किसान पूछते हैं कि यार इसका रेट क्या है, उसका क्या रेट है, तो ये रेट क्या रहता भैया, लोहे का ऊपर नीचे चलता रहता है, आपको ATG रेट हम नहीं बता सकते। इस चक्कर से रेट के लिए तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ही संपर्क करना पड़ेगा, पर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहा है आप उस पर रखिए, आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी आपको तकलीफ आती है ट्रैक्टर संबंधी से लेकर प्लाउ संबंधी में, आप बिल्कुल उस पर कॉल करिएगा, आपका उस पर सोल्यूशन किया जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स डालें।